Assalamu alaikum class, welcome to your second lecture of supply chain management. Aaj hamara topic jo hai, that is supply chain strategy. Last week humne cover kiya tha introduction. We discussed what is a supply chain, ek simple supply chain ki jo flow hai humne wo discuss kiya tha. And today we have to discuss ke supply chain ke andar jo strategy hai, jo goals achieve karne hain. गोल हमारा जो है वो मेनली क्या है जी, सप्लाई चेन सरप्लस इंक्रीज़ करना, विच मींस ओवरऑल सप्लाई चेन में जितने भी मेंबर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, उन सब को फ़ायदा होना चाहिए इन स्ट्रेटजीज़ का. और कोशिश है कि जी इंक्रीज़ किया जाए ओवरऑल कंज्यूमर वैल्यू और डिक्रीज़ किया जाए ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट को. सो वट एवर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इज़ यूज, उसका गोल यही है कि आपने कंज्यूमर को भी फ़ायदा पहुँचाना है और जितने भी सप्लाई चेन में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी फ़ायदा हो. सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे. हेडिंग 1.1, कंपेरेटिव स्ट्रेटजी. कंपेरेटिव स्ट्रेटजी से क्या मुराद है? एक सप्लाई चेन के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ होंगी, जैसे कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. और हर जो पार्टी है वो मार्केट में उनके कंपेरेटर्स भी होंगे, राइवल्स भी होंगे. अब एक जो रिटेलर है वो एंड यूज़र से डील कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो एक रिटेलर तो नहीं है मार्केट में, उसके साथ और भी बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो कि उन्हीं एंड यूज़र्स को टारगेट करना चाह रहे होंगे. तो उनके साथ कंपीट करने के लिए वो रिटेलर अपनी एक स्ट्रेटजी डिफाइन करेगा, जिसे हम कहते हैं कंपेरेटिव स्ट्रेटजी. इसी तरह से मार्केट में जितने भी होलसेलर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कंपेरेटर्स हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तमाम एक दूसरे के कंपेरेटर्स हैं, and all suppliers are also competitors with each other. So the definition as mentioned, a company's competitive strategy defines relative to its competitors, uske competitors ke lihaz se, the set of customer needs that it seeks to satisfy through its products and services. To wo individual base par har party jo hai wo apni competitive strategy define kar rahi hogi. कुछ जो होंगे वो कस्टमर केयर पे फोकस ज़्यादा करेंगे, कुछ जो है वो कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्राइस पे फोकस करेंगे. जो भी फैक्टर्स हैं वो डिफाइन करेंगे ऑन दैट बेसिस. सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड एंड कंपेटिटर्स. एवरी सप्लाई चेन मेंबर, थर्ड जो पॉइंट हैज़ देयर ओन कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज. फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर्स कम्पीट विद अदर सप्लायर्स, रिटेलर्स कम्पीट विद अदर रिटेलर्स एंड सो ऑन. तो पहले सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को भी पढ़ने से पहले हमने ये कॉन्सेप्ट ज़ेहन में बिठाना है कि कंपेरेटिव स्ट्रेटजी से क्या मुराद है. नेक्स्ट इज हेडिंग 1.2, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इटसेल्फ. दिस कवर्स द एंड टू एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड मनी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक सप्लाई चेन के अंदर तीन किस्म के फ्लोज होते हैं. प्रोडक्ट का फ्लो होता है, फाइनेंशियल फ्लो होता है, एंड देयर इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मैनुफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से वापस मैनुफैक्चरर तक भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एंड ऑल्सो टू सप्लायर. सो सेकेंड पॉइंट, ऑल मेम्बर्स ऑफ ए सप्लाई चेन, जिसमें वही चार मेन पार्टीज हैं, सप्लायर्स, मैनुफैक्चरर्स, होल सेलर्स एंड रिटेलर्स, दे शुड अलाइन देयर कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज विद ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी. तो ओवरऑल जो भी एक सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी डिफाइन की जाएगी, हर इंडिविजुअल मेंबर ने अपनी कंपेरेटिव स्ट्रेटजी को उसके साथ मैच करना है. ये नहीं हो सकता कि ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी अगर कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही है तो इंडिविजुअल कंपेरेटर्स के लिहाज से रिटेलर जो है वो कॉस्ट कटिंग पे फोकस ना करे, वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है ऑन प्रमोशनल मटीरियल फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैच नहीं करी होगी उसकी अपनी स्ट्रेटजी पूरी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी के साथ. तो हर इंडिविजुअल पार्टी ने मैच करनी है अपनी स्ट्रेटजी विद overall supply chain strategy. और वो किस तरह की होंगी? थर्ड पॉइंट इज़ देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज. पूरे कोर्स में जो हम पढ़ेंगे सेमेस्टर में, देर विल ऑलवेज बी टू टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज. एक है जी रिस्पॉन्सिव और एक है एफिशेंट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी. यही दो हो सकती हैं और दोनों ही एट द सेम टाइम यूज़ की जा रही होती हैं सप्लाई चेन्स के अंदर, लेकिन कई दफ़ा कुछ सप्लाई चेन्स रिस्पॉन्सिवनेस पे ज़्यादा फोकस करती हैं और कुछ एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करती हैं. सो फॉर एग्जांपल, एक सप्लाई चेन में हो सकता है कि वो सिर्फ 70% जो है वो एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं और 30% रिस्पॉन्सिवनेस पे कर रहे हैं. और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट हेडिंग कि इनमें वॉट आर द मेन आइडियाज़, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी. सो हेडिंग 1.3,
टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, पहली है रिस्पॉन्सिव और सेकेंड में है एफिशिएंसी। रिस्पॉन्सिवनेस सिंपली उसके लव्स के अंदर ही उसका मीनिंग है, जल्दी रिस्पॉन्ड करना कंज्यूमर डिमांड को, जो वो रिक्वायरमेंट उसकी है, जो वो चीज़ें चाह रहा है, ओवरऑल सप्लाई चेन इतनी फ्लेक्सिबल हो के जल्द अज जल्द रिस्पॉन्ड किया जाए टू द कंज्यूमर। अगर कॉस्ट इंक्रीज भी हो रही है तब भी आपने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको प्रोडक्ट देना है जो उसकी नीड है। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है कि अगर उसको रेड कलर पसंद नहीं आ रहा तो वो येलो अगर चाह रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अवेलेबल नहीं है, सप्लाई चेन में आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जी उसको उसके लिहाज से वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर रिटेलर के पास नहीं है तो होलसेलर उसको जो है वो कम्युनिकेट करे और प्रोवाइड करे, अगर होलसेलर के पास नहीं तो मैन्युफैक्चरर करे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ए केस स्टडी ऑफ ए क्लोथिंग कंपनी जो एग्जैक्टली इसी तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को, क्योंकि वो पूरी सप्लाई चेन में उनका कंप्लीट कंट्रोल है। और ये रेयर होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम काम कर रही हो एक सप्लाई चेन के अंदर। इट्स अ स्पेनिश क्लोथिंग कंपनी कॉल्ड ज़ारा, ZARA, ज़ारा अपैरल के नाम से वो बिज़नेस है, और वो उन रेयर बिजनेसिस में से हैं जो कि सप्लायर्स भी खुद हैं, रॉ मटेरियल भी अपना खुद प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं उसको, डिज़ाइन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी वो खुद ओन करते हैं, वेयर हाउसिंग भी खुद करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी खुद, और एंड पर जो रिटेल का काम है वो भी खुद करते हैं। इसका फ़ायदा उनको क्या होता है कि वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है विद इन दो सप्लाई चेन मेम्बर्स, और हफ्ते के अंदर वो अपना पूरा स्टॉक चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। अगर कोई एक कलर ज़्यादा मशहूर है, एक पर्टिकुलर ड्रेस ज़्यादा मशहूर है कंज्यूमर्स में, तो सेल हो रहा है, तो वो अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन जो है विद इन 1 to 2 weeks चेंज कर सकते हैं। उनका लीड टाइम बहुत शॉर्ट है, और ये टर्म बार बार आएगी इस कोर्स में, लीड टाइम, LEAD, लीड टाइम। लीड टाइम मीन्स वो पूरा टाइम फ्रॉम द टाइम रॉ मटेरियल अराइव्स इन फैक्ट्री टू द टाइम एंड जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के हाथ में हो, तो ये पूरा जो एक ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड अ लीड टाइम। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट लीड टाइम्स होते हैं। ऑन एवरेज जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसमें देर अ लीड टाइम ऑफ मंथ्स, 3 to 4 months के लिहाज से लीड टाइम होता है सीजन्स की बेस पे। बट दिस पर्टिकुलर कंपनी जिसका हम नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ज़ारा अपैरल, उनका लीड टाइम हफ्तों के लिहाज से है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या है? हाईली रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी। सेकेंड स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ एफिशिएंट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। और एफिशिएंसी की डेफिनेशन मुख्तलिफ कोर्सेज में हम पढ़ते हैं। एफिशिएंसी मींस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना, दैट इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ मैनेजर्स। और इसमें सप्लाई चेन मैनेजर का भी गोल ये होगा कि जी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। तो कॉस्ट कटिंग पर ज़्यादा फोकस है इस स्ट्रेटजी के अंदर, यानी कि इसकी ऑपोजिट है, रिस्पॉन्सिवनेस के ऑपोजिट है। रिस्पॉन्सिवनेस में आपने कॉस्ट अगर बढ़ भी रही हो तो आपने प्रोडक्ट पहुँचाना है मार्केट में, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। एफिशिएंसी में लेकिन है कि जी अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो बल्कि आपने वो स्ट्रेटजी फिर अपनानी नहीं है। तो ये दोनों चैलेंजिंग एक आपके सामने गोल्स होंगे एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, बिकॉज अक्सर आपने इन दोनों को बैलेंस करना होता है। लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी वो है जिसमें क्लियरली डिफाइंड हो कि ओवरऑल मेजॉरिटी फोकस किस पर होगा, रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर या एफिशिएंसी के ऊपर। बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो 50-50% फोकस कर रही हो रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी पे, कोई एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। दैट इज़ द सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। ओवरऑल पूरी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी या तो रिस्पॉन्सिव होगी या एफिशिएंट होगी। हर इंडिविजुअल जो सप्लाई चेन मेंबर है उसकी अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, रिटेलर की अपनी है, होलसेलर की अपनी है, मैन्युफैक्चरर की अपनी है, और सप्लायर की अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है जिसकी बेस पर वो कम्पीट कर रहे हैं अपने राइवल्स के साथ मार्केट में। लेकिन अगर ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सिवनेस पर फोकस कर रही है, यानी कि कस्टमर को जल्द अज जल्द प्रोडक्ट पहुँचाना, और आपका जो रिटेलर है वो एफिशिएंट कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके गोल्स आपके ओवरऑल सप्लाई चेन गोल्स के साथ मैच नहीं कर रहे। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो सप्लाई चेन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए एक बुनियादी शर्त है सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज़ को कामयाब बनाने के लिए कि तमाम पार्टीज़ जो होंगी वो अग्री करेंगी कि वो अपने इंडिविजुअल कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ को भी मैच करेंगे ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के साथ। अगर ओवरऑल आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सिवनेस पर है तो आपके तमाम रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स को
मैच करना पड़ेगा अपने कंपेरेटिव स्ट्रेटजी को विद रिस्पॉन्सिवनेस। अगर ओवरऑल आप एफिशिएंट हैं तो तमाम इंडिविजुअल पार्टीज को भी एफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर तो आपने ये चीज़ अचीव कर ली है तो उसके लिए हम ये थर्ड पॉइंट मैंशनड है, स्ट्रेटिजिक फिट। स्ट्रेटिजिक फिट मीन्स दैट बोथ कंपेरेटिव एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज हैव सेम गोल्स, यानी कि वो मैच कर रहे हैं, ओवरऑल सप्लाई चेन भी और कॉम्पिटिशन के लिहाज से इंडिविजुअल मेम्बर्स भी आपके अग्री करते हैं कि जी हमने अपनी स्ट्रेटजी को वही रखना है जो हमारी ओवरऑल सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है, अदरवाइज सप्लाई चेन विल नॉट सक्सीड इन अचीविंग इट्स गोल्स। इसको नाफिज करने के लिए, इस आइडिया को नाफिज करने के लिए हमेशा सप्लाई चेन में किसी एक पार्टी की मोनोपोली होती है, इजारादारी होती है, या तो वो मैन्युफैक्चरर होगा जैसे कोक है या पेप्सी है। कोक और पेप्सी सप्लायर्स भी हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं बॉटलर्स को, वाटर प्लांट्स को, कॉन्सनट्रेट जिसको फिर आगे कोक में कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो कहेंगे होलसेलर को मानना पड़ेगा, रिटेलर को मानना पड़ेगा, जो वो प्राइसेस सजेस्ट करते हैं लिस्ट प्राइस, तो हर रिटेलर को वो अग्री करना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी के साथ, बेशक उसकी ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो भी रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो भी रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है, सप्लाई चेन को कामयाब करना है। अगर सप्लाई चेन कामयाब है तो सबका बिजनेस जो है वो तरक्की करेगा। सो देर इज़ यूजली जस्ट वन लीडर इन सप्लाई चेन हु डिफाइंस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही हो जो कि लीडर हो पूरी सप्लाई चेन का, अक्सर वैसे मैनेजर्स ही होते हैं, लेकिन वो सप्लायर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल एक ऐसा रॉ मटेरियल जो कि हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, वो सप्लायर्स हैं और वो डिफ़ाइन करते हैं अक्सर अपनी सप्लाई चेन्स में ओवरऑल गोल्स। ऑयल की कीमत बढ़े तो बाकी तमाम चीज़ों की भी प्राइस बढ़ती है, ये एक बड़ी क्लासिक मिसाल है सप्लाई चेन की, जहाँ पे सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डिपेंड कर रही है सप्लायर के ऊपर। देन देर आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे रिटेलर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, जैसे वॉलमार्ट की मिसाल है, अमेरिकन डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि इतना बड़ा है, इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसके, कि मैन्युफैक्चरर्स को भी वो कन्विंस करते हैं कि ओवरऑल स्ट्रेटजी को एफिशिएंट रखा जाए, कॉस्ट कटिंग पर फोकस किया जाए, क्योंकि वॉलमार्ट का ओवरऑल गोल हमेशा रहा है कि हमने कम कीमत पर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो इस चूँकि वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरर्स कि उनका प्रोडक्ट जो है वो उसको शेल्फ स्पेस मिले और वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो फिर वो अग्री करते हैं अक्सर जो भी स्ट्रेटजीज वॉलमार्ट बना रहा है। इवन होल सेलर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा लीड कर रहे होते हैं पूरी सप्लाई चेन को, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेजोन इज़ ए होल सेलर, तो वो भी कई दफ़ा डिफाइन कर सकता है। शिपिंग कॉस्ट जो है वो खुद नहीं बेयर करता अमेजोन, मैन्युफैक्चरर को कह सकता है कि जी वो बेयर करे, और मैन्युफैक्चरर जो हैं अक्सर फिर बेयर करते भी हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेटिजिक फिट, जब सप्लाई चेन स्ट्रेटजी मैच करे हर इंडिविजुअल कंपेरेटर स्ट्रेटजी के साथ, आपके पास फिर स्ट्रेटिजिक फिट आता है। नेक्स्ट हेडिंग 1.4 इज वैल्यू चेन। जो रिलेशनशिप है सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का इंडिविजुअल सप्लाई चेन मेंबर्स की कंपेरेटिव स्ट्रेटजी के साथ, उसको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का आइडिया दिया था माइकल पोर्टर ने, जो कि काफ़ी मशहूर है बिजनेस में, अक्सर हम उसकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, प्राइसिंग के बारे में भी उसने डिफरेंट आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाएं। वैल्यू चेन का आइडिया जो था, इट्स सिंपली बेस्ड ऑन द फैक्ट के पूरी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड और डिलीवरी भी आप उसमें शामिल कर लें, तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें हर स्टेज के ऊपर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं टू द प्रोडक्ट, और अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो आप फिर इन द आइज़ ऑफ कंज्यूमर क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने जैसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था वैल्यू की डेफिनेशन सिंपली क्या है जी, इट इज़ द प्राइस दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, अगर वैल्यू उसकी नज़र में ज़्यादा तो वो ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार होगा। सो दैट इज़ वन गोल ऑफ वैल्यू चेन, के कैसे हम आइडेंटिफाई करें उन एक्टिविटीज़ को जिसमें डायरेक्टली वैल्यू बढ़ रही है, उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, और वो एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन के अंदर, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जैसे HR है या टेक्नोलॉजी है, उनको हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ डायग्राम शोज़ आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को,
इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड से मुराद जैसे है कि जी जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल की शक्ल में या प्रोसेस्ड मटेरियल की शक्ल में. रॉ मटेरियल मींस जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है. जब कॉटन को धागे में कन्वर्ट किया जाए, थ्रेड में कन्वर्ट किया जाए, तो वो थ्रेड जो है दैट इज़ प्रोसेस्ड मटेरियल. अभी वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्लोथ्स में, तो वो लेकिन एक मीडियम शक्ल उसकी निकल आई है. सो रॉ मटेरियल जो आ रहा है आपके पास, ऑफिस सप्लाइज, मशीनरी जो आपको चाहिए, जो यूटिलिटीज़ चाहिए, बिजली, पानी, ऑयल एंड सो ऑन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंडर. और कोई ना कोई इस एंड पर सप्लाई चेन मैनेजर होगा जो कि सिर्फ इन चीज़ों को ओवरसी कर रहा होगा. और इसमें जो चीज़ वो मेक श्योर कर रहा होगा वो ये है कि जी अगर ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल एफिशिएंट है, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो वो इन तमाम चीज़ों में कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर रहा होगा. और वो सप्लायर के एंड पर इन चीज़ों को कन्फर्म कर रहा होगा कि सप्लायर भी ये चीज़ें ओवरसी कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में आप कन्वर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो वर्कर्स हैं आपके, मशीनरी जो इन्वॉल्वड है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कम अंडर ऑपरेशंस. उसके बाद है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. जो प्रोडक्ट बन चुका है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, डिलीवर करना है टू होलसेलर या रिटेलर. उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. और फिर है सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस, इसमें वारंटी कार्ड्स हो सकते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स, रिटर्न पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसीज, कस्टमर केयर, प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड सो ऑन. तो ये पांच एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी कस्टमर केयर को भी आप इसमें शामिल कर लें. ये सारी चीज़ें वैल्यू बढ़ाती हैं प्रोडक्ट के अंदर. जो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट में वैल्यू बढ़ाती हैं उसमें फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंसिंग, अकाउंट्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सारे चीज़ें हैं, लोकेशन, क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके वर्कर्स कितने मोटिवेटेड हैं, कितने वेल ट्रेंड हैं, टेक्नोलॉजी का कितना इसमें अमल दखल है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और आखिर में है प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट से मुराद है सप्लायर के साथ नेटवर्किंग करना, जो परचेस मैनेजर का काम होता है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से ये डिफरेंट है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सिर्फ वो रॉ मटेरियल शामिल हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट में वो सप्लायर्स शामिल होते हैं जिनसे आप वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, और उनके साथ आप वन टू वन इंटरेक्शन के जरिए एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. सो दीज आर सपोर्ट एक्टिविटीज़. अब वैल्यू चेन जो है वो किस तरह से हेल्प करता है ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को मैच करने में विद कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, इन चीज़ों में देखा जाएगा कि जी अगर ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी आपकी रिस्पॉन्सिव है, इन सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाएगी, पैसे ज़्यादा लगाए जाएंगे ताकि आप कंज्यूमर के लिए आसानी बना दे सकें, उसको कंज्यूमर को ज़्यादा जल्द अज़ जल्द वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें. फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी के अंदर आफ्टर सेल सर्विस जो है, ये पांचवा जो पॉइंट है प्राइमरी एक्टिविटी का, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप पैकेजिंग ज़्यादा बेहतर करेंगे. ऑपरेशंस के अंदर आप क्वालिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी को, जो बेस्ट पॉसिबल रॉ मटेरियल आपको मिल सकता है, आप उसको परचेस करेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये वैल्यू को बढ़ाएंगे. अगर एफिशिएंट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है तो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों में आप कॉस्ट कटिंग की कोशिश करेंगे. और कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं आपकी सप्लायर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, वो मैच करनी चाहिए विद योर ओवरऑल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी. अदरवाइज वैल्यू नहीं बनेगी, कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एट अ हायर प्राइस नहीं तैयार होगा. तो ये वैल्यू चेन जो है वो कनेक्ट करती है आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को विद इंडिविजुअल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ योर सप्लाई चेन मेंबर्स. तो ये आइडियाज़ जो हैं बेसिक, लेकिन इसी के बेस पर हम आगे फर्दर एडवांस्ड जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे. तो ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ये वाला लेक्चर और जो फर्स्ट लेक्चर था. इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करें. अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगती वो क्वेश्चंस पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हैं. सो आइडिया इज़ टू क्लैरिफाई दीज बेसिक आइडियाज़. अब पेपर के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चंस अमूमन बनते हैं कि स्ट्रेटेजिक फिट क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड कंपेरेटिव स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन की दो एग्जांपल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट. सो दिस इज़ टुडेज लेक्चर. आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर और जो इसके रिलेटेड नोट्स हैं उनको गो थ्रू करने के बाद आपने असाइनमेंट जमा करानी है. असाइनमेंट की डिटेल्स जो हैं वो
गूगल क्लासरूम में मैं मेंशन कर दूंगा. सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे. थैंक यू.